अभी हम चंपा देवी पार्क में हैं। कल से गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो जा रहा है और इसमें विज्ञान प्रदर्शनी भी लग रही है और हमारे सामने खड़े हुए हैं श्री महादेव पांडे जी, वैज्ञानिक अधिकारी। इनसे हम जानेंगे कल की तैयारी के बारे में कि कितने स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल की क्या क्या तैयारियां हैं। सर, गोरखपुर महोत्सव 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ जिला प्रशासन के निर्देशन में हमारा क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र वीर बहादुर सिंह नसरशाला जो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, इस भव्य पंडाल में लगभग 200 विद्यार्थियों के विज्ञान मॉडल होंगे, उनकी विभिन्न प्रतियोगिताओं, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, पोस्टर प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता व विज्ञान नाटक की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 700 बच्चे प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। विज्ञान मॉडल में 200 बच्चे भाग ले रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज जो गोरखपुर के हैं, के IPM, बुद्धा इंस्टीट्यूट, ITM, IET, लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक स्कूल, ये सब भाग ले रहे हैं। तो जिसमें 42 मॉडल तो इंजीनियरिंग कॉलेज के आ रहे हैं, 41 मॉडल जो ग्रास रूट लेवल के इनोवेटर हैं उनके आ रहे हैं। कुल मिलाकर के कल यहाँ पर 300 मॉडलों का प्रदर्शन होना है, जो हमारा उद्देश्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित किए जा रहे, अन्वेषित किए जा रहे, खोजे जा रहे मॉडलों को का प्रचार प्रसार करना, उनको लैब टू लैंड पहुंचाने का प्रयास है मेरा, और यही उद्देश्य विज्ञान प्रदर्शनी का है। गोरखपुर महोत्सव के में जितने भी लोग आएंगे, आम जनमानस, विद्यार्थी, उनको अपने मॉडलों के द्वारा दिखा करके उनका ध्यान आकर्षित करना है कि वो विज्ञान के प्रति अपनी मानसिक सोच को विकसित करें। हमारे साथ में वैज्ञानिक संस्थान भी आए हुए हैं, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के बहुत सारे इक्विपमेंट, साइंस सिटी के बहुत सारे इक्विपमेंट, जिनके माध्यम से हम लोगों को, इनोवेटरों को, विद्यार्थियों को समझा करके उनकी मानसिक सोच को और विकसित करेंगे, उनकी खोज को, उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और आगे बढ़ाने का प्रयास है इस तीनों दिन की विज्ञान प्रदर्शनी में। सर, ये हुई तो अपने शहर के बारे में, तो बाहर के नवाचारी सर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? बाहर के नवाचारी हमारे गोंडा से, महाराजगंज से, मिर्जापुर से और नजदीकी जनपद के तमाम सारे नवाचारी आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे मॉडल विकसित किए हैं, एक प्रोटोटाइप बनाए हैं। उन कुछ नवाचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने किए गए आविष्कार को प्रोडक्टिविटी में बदल करके उसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। सर, जो शुरुआत होगी, सर कितने बजे टाइमिंग रखा गया है? ये 11 तारीख को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और प्रतिदिन यही क्रम चलता रहेगा। 11 और 12 और 13 को जो मेधावी लोग हैं, जिनके इनोवेशन बड़े अच्छे हैं, उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा और सभी प्रतिभागियों का, उनको लगभग 1000 प्रतिभागी से ज़्यादा हो रहे हैं, उनको सबको प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया जाएगा। अपना परिचय आप स्वयं दीजिए। मैं NN राय हूँ, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या गोरखपुर डिवीजन, और इस आयोजन में, गोरखपुर महोत्सव के आयोजन में विज्ञान प्रदर्शनी का नोडल अधिकारी हूँ। अभी जो मेन एक्टिविटीज है इसमें कि सीनियर के और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के हम मॉडल्स, इसमें साइंटिफिक मॉडल्स डिस्प्ले करेंगे और कुछ जो ग्रास रूट लेवल के इनोवेशंस हैं उन पर ज़्यादा हम लोगों का फोकस है कि उनको, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो साइंस क्विज और स्किट और अन्य जो प्रचार प्रसार के माध्यम है
उनकी प्रदर्शनी इत्यादि का भी इसमें आयोजन किया जाएगा विभिन्न तिथियों में।